हेलो गाइस, मेरे साथ है रिया राठौर और इनका अचीवमेंट मैं क्या बयां करूं। शी गॉट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग इन सीए एग्जाम्स। सो रिया, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। यस, सो हमारे सामने जीता जागता एग्जाम्पल है 100 में से 100 मार्क्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो मैंने इंटरव्यू इसीलिए रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ताकि जितने भी बच्चे हैं उनको हम ये गाइड कर सकें कि कैसे पढ़ा जाए और कैसे 100 आउट ऑफ 100 कॉस्ट में ला सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल स्टूडेंट्स के थे कि क्या रिया दीदी ने कैसे पढ़ाई की, क्या किया। तो मेरा सबसे पहला सवाल ही आपसे ये है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टू टिल द एग्जाम, आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी पढ़ने की, आपने कैसे पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ाई करी, उसमें कॉस्ट को कितना टाइम दिया, क्या क्या सॉल्व किया, कैसे कैसे सॉल्व किया, ताकि एक प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाए बच्चों को कि हम अगर ऐसा ऐसा करते हैं तो वी कैन गुड ए वेरी गुड स्कोर इन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो उसके लिए थोड़ा सा आप गाइड करो कि कैसे आपने शुरू से लेके आखिर तक स्ट्रेटेजी फॉलो की। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। सर, स्ट्रेटेजी में मैंने सबसे पहले अपनी क्लास में जो होता था एग्जैक्टली वही फॉलो करा। क्लास में नोट्स करवाए जाते थे, मॉड्यूल करवाई जाती थी और पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन करवाए जाते थे। मैंने भी रिपीटेडली सेम फॉलो करा। और सर, मॉड्यूल में आप जो मार्किंग करवा देते हो, नो नीड टू डू की मार्किंग और इम्पोर्टेंट की मार्किंग, सर वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपने जब नो नीड टू डू की मार्किंग करवाई तो मैंने भी हैंड टू हैंड नो नीड टू डू की मार्किंग करी उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। और वो मेरे लिए इसलिए हेल्प करा क्योंकि सर मैंने रिपीटेटिवली उस क्वेश्चन को दोबारा टाइम नहीं दिया और जिन क्वेश्चंस को आपने इम्पोर्टेंट मार्क करवाया था। और लिटरली जब मैंने खुद से करने की कोशिश करी उन क्वेश्चंस को, तो वो क्वेश्चन थोड़े टफ भी होते थे, इम्पोर्टेंट भी होते थे, तो उनको रिपीटेटिवली करना भी जरूरी था। तो सर ये जो आपने जो डिस्टिंक्शन करवाया था ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल था हमारे लिए। सेकेंडली सर, क्लास में जो क्वेश्चंस होते थे उसको एक बार अगर खुद से करने की कोशिश करें, बोर्ड पे देख के कॉपी करने की जगह, तो वो भी बहुत हेल्पफुल था सर। और नवंबर टू दिसंबर के आसपास सर, असीम सर ने एक बार हमें क्लास में बताया था कि मतलब अगर आप रोज रात को सोने से पहले अगर डिसाइड कर लें कि 2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिकल के करके ही सोएंगे, या फिर अगर कोई थ्योरी में ज्यादा अच्छा स्कोर करना चाहता है तो 2 थ्योरी के क्वेश्चन लिख के ही सोएंगे, तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है सर। क्योंकि मतलब मैंने भी यही सेम चीज फॉलो कर ली कि मैं रात को मतलब दिन भर भले मैंने थ्योरी पढ़ी हो, रात को मैं 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल के करके सोती थी। तो इन द एंड ये हुआ कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में मेरी ग्रिप बहुत अच्छी हो गई थी और एग्जाम टाइम के आसपास मुझे मतलब थ्योरी पे फोकस करना था क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली प्रैक्टिकल करते जा रही थी। तो मेरी प्रिपरेशन एग्जाम के पहले ही उन सब्जेक्ट्स की मतलब पूरी तरीके से हो चुकी थी। सेकेंडली सर, ऑन द डे ऑफ एग्जाम, एग्जाम टाइम में मैंने सर सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑप्ट करे और थ्योरी क्वेश्चन नहीं करा क्योंकि सर थ्योरी में मार्क्स कटने के चांसेस हो जाते हैं। प्रैक्टिकल ऑप्ट करने का सर मेरा रीजन ये था कि मेरे पास एग्जाम से पहले आधा घंटा बच चुका था, तो मैंने उस आधे घंटे में एक सर हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन ऐसा आ ही जाता है कि जिसमें बच्चों को लगता है कि इस क्वेश्चन की जगह हम थ्योरी कर लेते हैं। तो मेरे पास आधा घंटा बचा था, तो मैंने उसमें देखा कि उस क्वेश्चन को जब मैंने 2 से 3 बार पढ़ा तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन मैं कर सकती हूँ। एंड जस्ट बिकॉज मेरे पास टाइम लेफ्ट था तो मैंने इजीली उस क्वेश्चन को कर लिया और थ्योरी ऑप्ट नहीं करी, जिससे मेरे मार्क्स कटने के चांसेस एकदम नील हो गए थे। अधिकतर स्टूडेंट्स के साथ सर क्या होता है कि उनके पास एंड में टाइम ही नहीं बचता, वो जो क्वेश्चन उनको नहीं आता जो ट्रिकियर लगता है वो उसको एंड तक रखते हैं कि अपन लास्ट में ही क्वेश्चन देख लेंगे। और एंड में अगर आपके पास 5 या 10 मिनट बचे हैं तो उस क्वेश्चन को पढ़ के समझने की जगह वो सोचते हैं व्हाई नॉट गो फॉर थ्योरी, तो वो थ्योरी ऑप्ट कर लेते हैं और जहाँ पे मार्क्स कटने के चांसेस इजीली रहते हैं। तो सर मैंने ये चीज फॉलो करी, इसीलिए मेरा मार्क्स कटने के चांसेस कम हो गए। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो थ्योरी की जगह ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर प्रैक्टिकल, पहली चीज तो है कि थ्योरी अटेंड करने की जगह प्रैक्टिकल स्कोर करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये है, ये मेरे को बहुत अच्छी लगी बात कि रोज रात को सोने से पहले 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है। जैसे रोज रात को सोने से पहले दूध पीना नहीं भूलते, रोज रात को खाना खाना नहीं भूलते, वैसे ही 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन रोज रात को करना भी नहीं भूलना है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो रिया ने फॉलो की। तीसरी चीज जो रिया की मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर मैं क्लास में मार्किंग करवा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन नहीं करना है या ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिया ने उसको कम्प्लीटली फॉलो किया कि निंटेंडो मतलब उसको फॉलो नहीं करना ही नहीं है, और जिसको करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको करना ही करना है। तो उससे होता क्या है, आपके पास जब आखिरी दिन टाइम बचता है तो आप, या लास्ट डे आपके पास बहुत सारा करने को रहता है और आपके पास समय नहीं होता है, तो उस दिन जब आप सिर्फ उन क्वेश्चंस पे फोकस करोगे जो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने भी मार्क करवाए हैं, एग्जाम में भी आए हैं,
और उनको फोकस करने की जगह अगर आप निंटेंडो क्वेश्चंस पे चले जाते हो, नो नीड टू डू क्वेश्चंस पे चले जाते हो, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है. एंड इसको आप लोग सब फॉलो कीजिएगा. मैं क्लास में अगर मार्क करवा रहा हूँ निंटेंडो है, तो उसे कम्प्लीटली निंटेंडो मान के अगली बार पढ़ने की जरूरत भी नहीं है. ठीक है, तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी आपने फॉलो की, तो मुझे लगता है इससे एक बहुत हेल्प मिलेगी. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, आप जैसे अभी मुझे बता रही है कि मेरा आधा घंटा मेरे पास बच गया था एक ट्रिकी क्वेश्चन करने के लिए, मतलब आपने बाकी पेपर ढाई घंटे में कर लिया था. तो अब एक सवाल ये आता है कि बच्चों का तीन घंटे में 80 मार्क्स का पेपर नहीं हो पाता है, किसी का 90 हो जाता है, आपने ढाई घंटे में 90 मार्क्स का पेपर कर लिया, तो इसलिए इसके लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया, ऐसा क्या किया कि आपने कोई जादू की कोई पुड़िया थी या कुछ था कि 90 मार्क्स का पेपर आपने ढाई घंटे में सॉल्व कर लिया 2.5 आवर में और यू आर लेफ्ट विद 30 मिनट्स फॉर एक सिंगल क्वेश्चन. सो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की यार, इतनी स्पीड से आपका पेपर भी हो गया और प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी फॉलो कर लिया. सर हमको जो एग्जाम के एक दिन पहले लास्ट डे रिविजन टिप्स के जो वीडियो आते हैं, तो उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पेपर अकाउंट का था, तो नाटा सर की एक वीडियो आई थी, उसमें नाटा सर ने हमको बताया था कि शुरू के जो आपको 15 मिनट मिलते हैं उसका इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन कैसे करना है. तो बोले सर ने हमको बताया था कि नॉट गोइंग टू ऑल द क्वेश्चंस एंड रीडिंग इन दैट दोस 15 मिनट्स, दो तीन मिनट में आप पेपर ऊपर ऊपर से देख लो. तो मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने दो तीन मिनट में पेपर ऊपर ऊपर से देखा, फिर बच्चे हुए 10 से 15 मिनट में जो मैंने क्वेश्चन सोचा कि ये क्वेश्चन मैं इजीली कर सकती हूँ पूरा, तो बचे हुए 10 से 15 मिनट में मैंने वो क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया. मैंने उसको ऐसे पढ़ा कि कॉपी आते ही मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया, मुझे सेकेंडली उस क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम नहीं देना पड़ा, तो 10 to 12 मिनट्स मेरे वहां पे सेव हो गए. सेकेंडली सर, जब आपके सामने क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आता है, और अगर आपको उसका आंसर पता है, आपने वैसा क्वेश्चन पहले कर रखा है, तो आपके माइंड में आंसर तुरंत फ्रेम हो जाता है. आंसर तुरंत फ्रेम होगा तो आप तुरंत लिख भी पाएंगे. ये चीज तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे. अगर आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो आपने पढ़ा ही नहीं, उस टाइप का क्वेश्चन किया ही नहीं है, तो 5 से 7 मिनट आपको उसका आंसर फ्रेम करने में लग जाएंगे कि मैं इसको स्टार्ट कैसे करूं. नो डाउट आपको वो आता होगा, पर वो आंसर फ्रेमिंग का जो टाइम आप एग्जाम में दे देते हो, वो टाइम भी मेरा सेव हो गया था, क्योंकि सर 70 to 80 मार्क्स का पेपर मुझे पूरा फेमिलियर लगा था कि उस टाइप के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके. ओके, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो फन शुरू के 15 मिनट है उसमें पूरा पेपर 2-4 बार घूर लेने के से अच्छा है कि 2-3 मिनट के अंदर पेपर को देखने के बाद फाइनली क्वेश्चंस को फोकस करना चालू कर दो. मतलब शुरू के 2-3 क्वेश्चन की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे सॉल्व करना है, वो कैलकुलेशंस ये सब पहले करके रख लो, ताकि जब कॉपी आए तो आपके अगले 15-20 मिनट के अंदर 2-3 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाए. तो आखिरी में जाके आपके पास आधा घंटा बचेगा, उसमें उन क्वेश्चंस पे आप फोकस कर सकते हो जो थोड़े ट्रिकी हैं या थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेते हैं, है ना. अब एक और चीज आती है कि आपने प्रैक्टिस तो बहुत की होगी, आपने रिवीजन भी, कितने रिवीजन किए थे आपने सर? मैंने आपकी बुक के सर 3 से 4 बार मैंने कंप्लीट रिवीजन कर लिए थे सर. ऑल्दो मैंने मॉड्यूल का एक बार रिवीजन करा था, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट थे उनके मैंने 2-3 करे थे, पर जो नो नीड टू डू थे उनको बस एक बार बस गो थ्रू कर लिया. आपकी बुक के सर 3 से 4 बार करे, और जो क्वेश्चन मैंने मार्क कर रखे थे, जो क्वेश्चन मेरे से एक बार में 2 बार में नहीं हो रहे थे, उनको मैंने और ज्यादा प्रैक्टिस करी. मतलब इन द एंड ऑफ द डे ऐसा कोई क्वेश्चन मेरे सामने नहीं होना चाहिए जो मेरे से नहीं बन रहा. तो सर ये चीज मैंने फॉलो करी. ओके, मतलब 3 से 4 रिवीजन तो आपने नोट्स के किए हैं, एक या दो बार मॉड्यूल भी आपने किया है, और पास्ट एग्जाम्स भी आपने 2 बार रिवीजन किया. हाँ सर, पास्ट सर हमारी क्लास की जो स्ट्रेटेजी थी सर, दैट वाज टोटली ऑसम कि हम नोट्स करते थे, फिर हम मॉड्यूल करते थे, फिर हम पास्ट एग्जाम करते थे. तो सर अक्सर क्या होता है कि कई सब्जेक्ट में बच्चे सिर्फ मॉड्यूल से जाते हैं या नोट से जाते हैं, और वो पास्ट एग्जाम्स को मतलब टाल देते हैं कि हम बाद में कर लेंगे, और बाद में सर एक बार पढ़ने का भी टाइम नहीं बचता है. और हमने जो वो तीनों का सीक्वेंस रखा एक चैप्टर में नहीं, पूरे जितने भी चैप्टर थे सब में, पूरे सिलेबस में सर, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था, कि उससे हमको पता चल गया कि पास्ट एग्जाम में कौन सी एग्जाम का कौन सा क्वेश्चन हमसे ऑन द स्पॉट नहीं बन रहा है. तो हमारे पास लास्ट में कॉस्ट के लिए पास्ट एग्जाम का एक भी क्वेश्चन नहीं बचा था. ओके, वेरी नाइस. सो एक्चुअली ये स्ट्रेटजी मैं पिछले 2 साल से फॉलो करना चालू की है, कि हम क्लास में क्लास नोट्स, मॉड्यूल और पास्ट एग्जाम तीनों पूरे कंप्लीट करते हैं हर चैप्टर के अंदर, ताकि और जो क्वेश्चंस ऐसे लगते हैं कि होमवर्क में देने के, वो मैं होमवर्क में देता हूँ. जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उनको क्लास में करवाया जाता है. तो ये स्ट्रेटजी अगर बच्चा भी फॉलो करे तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा स्कोर वो कर सकता है. एक क्वेश्चन और है, आप ऑनलाइन स्टूडेंट थे, आपने ऑफलाइन क्लासेस नहीं ली, मैं फेस टू फेस शायद आपसे मांडव पार्टी में मिला था, और शायद आज अपन फेस टू फेस वापस मिल रहे हैं. सो शी इज अ ऑनलाइन स्टूडेंट, शी वॉज एन ऑनलाइन स्टूडेंट. सो आपने ऑनलाइन स्टूडेंट के साथ क्या होता है कि एक तो वो ऑफलाइन नहीं आता है, तो डिसिप्लिन जो उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, दूसरा घर में बहुत सारी चीजें चल रही होती है, तो उस डिस्ट्रैक्शन में आप लाइव क्लास जब घर से बैठ के लेते थे,
तो कैसे आपने वो मैनेज किया कि यार घर से बैठ के आप लाइव क्लास ले रहे हो और आप कॉम्पीट कर रहे हो उन बच्चों के साथ जो यहाँ आके क्लास में हमसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो वो आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, कैसा आपको उस टाइम लगा, कैसे आपने उसको कवर अप किया, कोप अप किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सर जैसे कि अगर बच्चे सीए प्रोफेशन में हैं, तो उनको पहले से ही पता होता है कि उनको हार्ड वर्क तो करना ही है। बेसिकली दे लैक एट देयर कंसिस्टेंसी लेवल। शुरू के 2-3 महीने में सब बच्चे आराम से पढ़ते हैं। सर ऑनलाइन में क्या होता है, अगर आपके घर पे रिलेटिव आ गए तो अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो तो आपके माइंड में एक बार आता है कि पहले इनसे मिल ले, लेक्चर बाद में ले लेंगे। बट हमारे साथ क्या हुआ सर, हमारी लाइव बैच लाइव क्लास थी सर, लाइव बैच का इतना ज्यादा बेनिफिट हुआ कि हम मतलब हमारा दिल भी बोल रहा है एक बार एक्सक्यूज देने को, तो हम रेसिस्ट हो गए उससे कि नहीं वो एक्सक्यूज नहीं देना है। हर बच्चे के माइंड में सर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आता है, एक्सक्यूजेस आने लग जाते हैं सर कुछ मंथ्स के बाद के, ये छोड़ो अभी बाद में करेंगे। पर सर वो अगर आपके सामने लाइव बैच चल रही है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते सेकेंड, तो सर उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट था। और सर जब हमें क्लास में टीचर ऑफलाइन में क्या होता है कि अगर टीचर एक टीचर जाते हैं लेक्चर खत्म करके और दूसरे आते हैं, तो उस बीच में क्लास के मोमेंट में बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल है सर। बट हमारे ऑनलाइन में क्या होता है कि बच्चे सोशल मीडिया साइट्स पे स्क्रॉल करने लग जाते हैं, वो 5 से 10 से 20 मिनट उसमें कब हो जाते हैं पता नहीं चलता। हमारे इसमें हमने इससे कोप अप ऐसे किया सर कि सब टीचर्स कुछ ना कुछ होमवर्क देके जाते थे और एक पॉजिटिव मोटिवेशन देता था कि जो वो क्वेश्चन पहले करेगा उसका नेम अनाउंस किया जाएगा या सर उसको अच्छा मतलब उसके बारे में बोलेंगे, तो वो बहुत अच्छा हमारे लिए मोटिवेशन था। तो वो जो दूसरे टीचर के आने में जो टाइम बचता था उस टाइम में हम वो क्वेश्चन कर लेते थे, तो हमारा टाइम का यूटिलाइज उस तरीके से हो जाता था सर। और लाइव बैच के कारण ही वो कंसिस्टेंसी मेंटेन होता है। अमेजिंग, मतलब एक्चुअली ऑनलाइन लाइव बैच थी तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो जो बच्चे ऑनलाइन लाइव बैच कर रहे हैं, ऑफ कोर्स रिकॉर्डेड से लाइव मच बेटर है, सबको बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है, एक डिसिप्लिन वहीं से मेंटेन हो ही जाता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो कि मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, मुझे कभी 100 में से 100 नहीं आए ना, मुझे 11th 12th तक कभी 100 में से 100 आए ना, मुझे कभी ग्रेजुएशन या फिर सीए के एग्जाम में 100 में से 100 आए। तो 100 में से 100 की फीलिंग कैसी होती है, मतलब कैसा लगता है जब आप देखते हो मार्कशीट की 100 में से 100 नंबर आए हैं, तो हाउ डज इट फील? हाँ सर फीलिंग तो मतलब सर फीलिंग तो थोड़ी देर बाद आई, कुछ देर तक तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ICAI 100 कैसे दे सकती, जहां मतलब हम खुद भी एक पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ सब्जेक्ट में सोचते हैं कि यार 40 आ जाए, उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपके रिजल्ट में एक 3-डिजिट नंबर हाईलाइट हो रहा है, तो सर मतलब कुछ टाइम में मुझे सोचने में लगा कि रियली मतलब नाम पढ़ा, फिर कॉज सर मतलब बाकी सब्जेक्ट के मार्क्स में देखना ही भूल गए वो 100 के आगे, और एक बार तो मतलब वो 100 00 लगे, फिर रिकन्फर्म करा मैंने, बोला नहीं मार्कशीट देखनी है, फिर 2-3 बार उसको देखा, फिर जाके विश्वास हुआ कि हाँ 100 आ गए। और सर द फीलिंग वाज मतलब बहुत ज्यादा ऑसम फीलिंग थी सर, और ये विश्वास हो गया कि 100 बिल्कुल आ सकते हैं। एक टाइम हम भी सोचते थे जब हम पढ़ रहे थे कि नहीं 90 तो ले आएंगे, जब पेपर दिया तब भी मुझे लगा था कि हाँ 90 to 95 आ सकते हैं, बट सर फीलिंग ऑफ 100 वाज लिटरली ऑसम, और मैं चाहूंगी कि सब बच्चे इस फीलिंग को फील करें अगर वो उसी कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करेंगे तो। नहीं एक्चुअली जब ये स्कोर मैंने क्लास में बताया था तो बच्चों ने भी ये बोला था कि हम भी सिर्फ 90 अबव लाएंगे ही लाएंगे। पहले वो सोचे थे कि हाँ कॉस्ट में एग्जेम्पशन आ जाएगी, वो तो पहले दिन से बच्चा सोच के बैठता है, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि स्कोर 100 out of 100 है, मतलब उनको भी लगा कि नहीं यार 100 out of 100 इजीली आ सकते हैं, और जब एक लाइव एग्जाम्पल सामने दिखता है तो मोटिवेशन अपने आप बच्चों का बहुत बढ़ जाता है। तो बहुत सारे बच्चों का मेरे पास फोन आया या बहुत सारे बच्चे मुझे मिलने आया कि सर 100 में से 100 वाली दीदी ने ऐसा क्या किया, तो मैंने बोला उसने भी पढ़ाई तो क्लास के नोट से की, तो उनके दिमाग में भी एक मोटिवेशन आ गया कि मतलब जो हम पढ़ रहे हैं उससे 100 में से 100 आराम से लाए जा सकते हैं, बस सही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है और कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है, और दिमाग में आपका जो थॉट प्रोसेस या जो उस टाइम मेंटल सिचुएशन है वो बहुत काम आपको रहना पड़ेगा, है ना। तो एग्जाम के टाइम पे जब आप कॉस्ट का अकाउंट्स का पेपर दिया, मुझे रिया की एक बात पता पड़ी कि अकाउंट्स के पेपर में 16 मार्क्स का क्वेश्चन मैडम पढ़ना ही भूल गई, मतलब ये एक चीज है जो आप लोग ध्यान रखना, वो रिया ने जो गलती की है उससे एक मैसेज ले लो कि पेपर को ढंग से पढ़ो, अकाउंट्स में भी बहुत अच्छा स्कोर करती है, लेकिन उसने गलती ये कर दी कि उसने अकाउंट्स का एक 16 नंबर का क्वेश्चन 20 नंबर का 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर दोनों एक साथ मेरे टर्न हो गए तो एक पेपर पूरे एक पेज ही मिस हो गया, तो एक क्वेश्चन ही छोड़ दिया, तो उसके बाद जब घर आके देखा होगा तो पता चला होगा, और उसके आई थिंक उसके 2 पेपर बाद ही कॉस्ट का पेपर था, तो उस टाइम तो दिमाग में क्या चल रहा था कि ये क्या हो रहा है सर, मतलब मुझे लिटरली शुरू से मैंने सोचा था कि अकाउंट्स में मतलब अकाउंट्स फिर भी माय स्कोरिंग सब्जेक्ट, क्योंकि सर 11th 12th मुझे अकाउंट्स मेरा शुरू से फेवरेट था,
तो इसलिए अकाउंट पर सर जो मेरे को रिजल्ट मिला, जो मेरी खुद की गलती मेरे सामने आई, तो सर मोरल पूरी तरीके से डाउन हो चुका था कि अब मैं स्कोर काय में करूंगी। बट सेकेंडली मैंने नहटा सर से शेयर करी ये चीज मेरी के सर ऐसे छोड़ गया, तो सर ने बोला अब उसको छोड़ो, अब आगे फोकस करो। तो सेकेंड पेपर मेरे पास जो था वो कॉस्ट का था, क्योंकि कंपनी लॉ का था, पर सर थ्योरी मेरी उतनी स्ट्रांग नहीं है जितना मेरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट स्ट्रांग है। तो मैंने सोचा कि कंपनी लॉ में एग्जम्पशन तो लानी ही है, पर कॉस्ट का स्कोर बहुत अच्छा करना है। तो सर उसी टाइम मेरे माइंड में आ गया कि अब कॉस्ट अपने पास है, अपने को पहले मेरे पास था अकाउंट्स कॉस्ट दोनों, पर उस टाइम मोरल डाउन हुआ तो सर ने बूस्ट अप करा कि अब वो छोड़ो, अब आगे देखो। तो सर वो बहुत बिग मोटिवेशन मेरे लिए बना, और इसलिए मैंने सोचा कि अब कॉस्ट में तो करना ही है, अकाउंट्स हो गया तो ठीक है, उसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कॉस्ट में करना ही है। तो सर नहीं नहीं आपने बहुत अच्छा किया और आपने जो आज बातें बच्चों को बताई, जो इंटरेक्शन यहाँ पे हम लोगों ने किया, आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल रहा। एंड थैंक यू सो मच कि आप आए और आपने कॉन्वर्सेशन किया। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हुई होगी कि क्या स्ट्रेटजी हमको फॉलो करनी चाहिए और कैसे हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल है 100 में से 100 का, तो मुझे और कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है।